सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले देश में इतना शुभ हो रहा कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। इंद्रेश कुमार का राहुल गांधी पर तंज, बोले वो अज्ञान के मास्टर है, श्री राम उन्हें और कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। चिदंबरम ने मोदी सरकार पर किया कड़ा प्रहार, बोले केंद्र सरकार पर गरीबों और अत्यंत गरीबों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। कर्नाटक में इंस्पेक्टर पर भड़के कांग्रेस विधायक आनंद न्यामगौड़ा, बोले हमारी सरकार सत्ता में आई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया वार, बोले कांग्रेस अब भी वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने में व्यस्त है। किरण पटेल मामले में सरकार पर भड़के उमर अब्दुल्ला, कहा केवल पीएमओ को खुश करना चाहती है मौजूदा प्रशासन। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को बंगाल पुलिस ने नोएडा से किया गिरफ्तार, आसनसोल में भगदड़ से जुड़ा है पूरा मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर महुआ मोइत्रा का हमला, बोली शीशे के घरों में रहने वालों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े का बयान, बोले अदालतों के तौर पर हम कभी राजनीति में शामिल नहीं होते हैं। स्मार्ट गांव को लेकर नितिन गडकरी का बयान, बोले शहरों की तरह हमें स्मार्ट गांवों की भी जरूरत, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बने किसान। जजों की नियुक्ति पर बोले सीजीआई चंद्रचूड, कहा जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, फैसलों पर सरकार का दबाव नहीं। जयराम रमेश, बोले विपक्ष की जेपीसी की मांग, जॉयज ब्रिटेन में टिप्पणी पर राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज स्पीच पर सफाई दी, केवल भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया, इसके लिए मुझे एंटी नेशनल नहीं कह सकते। अमृतपाल सिंह को लेकर हिमाचल अलर्ट पर, पंजाब सीमा पर गश्त बढ़ाई, विधानसभा के गेट पर झंडे लगा चुके खालिस्तान समर्थक। एमपी के बालाघाट में ट्रेन एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, दो पायलट की जलने से मौत, महाराष्ट्र के बिरसी से भरी थी उड़ान। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, ट्वीट पर कहा डबल इंजन की सरकार कर रही बिजली कर्मियों का उत्पीड़न। ২০২৪ लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश का बड़ा दावा, बोले लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम, 50 सीटें जीतने का लक्ष्य। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की कर्मचारी नेताओं संग बातचीत रही बेनतीजा, कल फिर हो सकती है बैठक। संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले निषाद समाज के लोगों को जमकर सताया गया, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा गया।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला, बोले सपा समाप्तवादी पार्टी बंगाल नहीं समुद्र के टापू पर करे बैठक। मेरठ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, देश भर से आए लगभग 700 किसानों से संवाद किया। मथुरा के जंगल में बनाए जा रहे थे असलहे, छापा मारा तो पुलिस टीम पर की फायरिंग, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। बुंदेलखंड के किसानों की किस्मत में तबाही, 10 सालों में कभी सूखा पड़ा तो कभी ओलावृष्टि और बारिश ने रुलाया। लखनऊ में तैनात सीआरपीएफ कमांडेंट पर एफआईआर, सीबीआई की जांच में नीरज पांडे की आय से 108% अधिक संपत्ति मिली। आगरा से 5 बांग्लादेशी अरेस्ट, फेक पासपोर्ट, आधार कार्ड और कोविड सर्टिफिकेट मिले, एटीएस बोली महिला कराती थी बॉर्डर पार। संबल में कोल्ड स्टोरेज हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, 14 मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। सुल्तानपुर में युवक ने दरोगा को हेलमेट से धुना, जमकर मचवाया उत्पात, गाड़ी में तोड़ फोड़ कर लगाई आग। फॉर्चूनर से चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, सर्विस सेंटर पर आने वाली लग्जरी गाड़ियां चुराते, फिर उसी कार से करते थे हीरे की स्मगलिंग। अडाड़ी प्रकरण को लेकर बीएचयू में फूटा छात्रों का गुस्सा, छात्र बोले संसद में म्यूट की गई विपक्ष की आवाज। फिरोजाबाद के धीरपुरा में जलभराव से ग्रामीण परेशान, निदान के लिए किया प्रदर्शन, बोले गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। रामपुर प्रशासन निर्बाध बिजली आपूर्ति देने को मुस्तैद, शिकायत के लिए बनाया कंट्रोल रूम नंबर जारी किए। औरैया में बाइक फिसलने से युवक की मौत, साथ ही घायल सैफई रेफर, हेलमेट नहीं लगाए थे दोनों, सड़क खराब होने से हुआ हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक के चलते कारों में टक्कर, 2 बच्चों समेत 8 लोग घायल, आगरा से नोएडा की तरफ जा रहा था परिवार। बिजनौर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, मायके वालों ने पति समेत 4 पर दर्ज कराया मुकदमा, 2 लोग गिरफ्तार। फरुखाबाद में बसपा नेता भाई समेत 9 पर एफआईआर दर्ज, फर्जी दस्तावेज तैयार कर 11 एकड़ जमीन हड़पी, मैनपुरी जेल में बंद है अनुपम दुबे। बरेली में बच्ची की आबरू लूटने वाला अरेस्ट, 10 साल की बच्ची शेरगढ़ के जंगल में मिली थी खून से लथपथ। हापुड़ में दबिश देने आई हरियाणा पुलिस पर हमला, दहेज उत्पीड़न मामले में पहुंची थी टीम, आरोपियों ने दौड़ाया 2 घायल। महोबा में बिजली हड़ताल पर प्रशासन का हंटर, 13 बिजली कर्मियों पर अस्मा के तहत एफआईआर, एक कर्मचारी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में कॉपियों के मूल्यांकन का शिक्षकों ने किया बहिष्कार, माध्यमिक शिक्षक से संघ ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक कॉपियां नहीं जांची जाएंगी। मऊ में ऊर्जा मंत्री की सख्ती पर विद्युत कर्मी हुए आक्रोशित, कहा हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया ये गलत है।
हमीरपुर में 7 गायों की मौत, ट्यूबवेल से पानी पीने के बाद हालात बिगड़े थे, वहीं डीएम बोले पीएम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। ससुरालियों के प्रताड़ना से तंग होकर युवक ने दी जान, फेसबुक पर लिखा मैं ससुरालियों से तंग होकर दे रहा हूं जान। जालौन में भाभी ने देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता बोली पति की गैर मौजूदगी में करता था रेप। आजमगढ़ में सड़क हादसे में कानूंगो की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, बाइक से ऑफिस जा रहे थे। रेरा करेगा बिल्डरों के बैंक खाते सीज, मीटिंग में नहीं हुए थे शामिल, फ्लैटों की बिक्री और नए प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन पर लगेगी रोक। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल पर साधा निशाना, कहा देश की जनता से माफी मांगे राहुल गांधी। खिलाड़ियों को उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को हर माह दिया जाएगा छात्रवृत्ति। उत्तराखंड में निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनाने के लिए अब आएगा अध्यादेश, 20 को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। उत्तराखंड में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ समेत ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी वादियां। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 8 साल बाद मार्च में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारे में आई 10 डिग्री सेल्सियस की कमी। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, कार में सवार 4 लोगों की मौत, मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड के जंगल में आग के आंकड़े छुपा रहा वन विभाग, कैग की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नए ट्रांजिट कैंप में 15 से 20 मई के बीच शुरू होंगे पंजीकरण, 8 काउंटर होंगे तैयार। उत्तराखंड के हरिद्वार की युवती से दुष्कर्म, 2 बार कराया गर्भपात, दी जान से मारने की धमकी। उत्तराखंड के शक्ति नहर किनारे से अतिक्रमण हटाने को यूजेवीएनएल ने दिया नोटिस, कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति। उत्तराखंड के कालिंदी अस्पताल के क्लेम ऑडिट में मिली गड़बड़ी, सूचीबद्धता निरस्त, 1.2 करोड़ की होगी वसूली। उत्तराखंड में बाइक पर स्टंट दिखाना, ब्लॉगर को पड़ा भारी, पब्लिसिटी के चक्कर काटने पर पड़े थाने के चक्कर। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का हुआ विस्तार, 1 प्रदेश प्रवक्ता, 17 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। गिरफ्तारी वारंट से बेफिक्र रूसी राष्ट्रपति, पहली बार यूक्रेन के मारियूपोल शहर पहुंचे पुतिन।
न्यायिक सुधारों के खिलाफ इसराइल में बढ़ रहा विरोध, लगातार 11वें हफ्ते जारी है प्रदर्शन। दक्षिण कोरिया अमेरिका के सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने फिर दागी मिसाइल, जापान के समुद्र में गिरी। तालिबानी शासन के बाद ज्यादातर मीडिया कर्मी छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान, 50% की गई नौकरी। ऑस्ट्रेलिया की नदी में मर रही लाखों मछलियां, सरकार ने कहा पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतें। इक्वाडोर में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 12 की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, पड़ोसी देश पेरू में भी महसूस हुए झटके। इस मार्च को हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी, समर्थकों से विरोध करने को कहा, पॉर्न स्टार के साथ अफेयर छिपाने से जुड़ा है मामला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अचानक आई बाढ़, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। इमरान खान का आरोप, कहा इस्लामाबाद रवाना होते ही घर में घुसे पुलिस, चले बुलडोजर। ईरान की पुलिस बनी हैवान, 12 साल के बच्चे को जेल में दिए जा रहे बिजली के करंट, यौन हिंसा का भी आरोप। डिजिटल पेमेंट पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, बोले शिकायतों को जल्द हल करने वाला एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत। ट्विटर के बाद फेसबुक इंस्टा ने शुरू की पेड सर्विस ब्लू टिक के लिए, मोबाइल यूजर्स को हर महीने 1,237 और वेब पर 998 देना होगा। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर बीएससी एनएससी का एक्शन, ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में डाला। एसवीबी और सिग्नेचर की तरह और 186 बैंक खतरे में है, रिपोर्ट में जाहिर की गई आशंका। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने भारत की जीडीपी को लेकर दिया बयान, FY24 में 6% ग्रोथ रहने का दिया अनुमान। आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को किया अलर्ट, 31 मार्च से पहले पैन आधार को करे लिंक, वरना नहीं करा पाएंगे आईटीआर फाइल। विप्रो ने फिर की छटनी, विप्रो ने करीब 120 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, भारत में नहीं होगी छटनी। संकट में घिरे क्रेडिट स्विस बैंक के अधिग्रहण के लिए यूबीएस बैंक कर रहा बातचीत, मांगी $6 अरब की गारंटी। एयरटेल यूजर्स को फ्री मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा, 4G के रिचार्ज के बिना प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स को मिलेगा फायदा। चीन के सेंट्रल बैंक ने एसवीबी के डूबने पर दिया अहम बयान, कहा ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी बैंकिंग संकट का कारण। एटीके मोहन बागान पहली बार जीते आईएसएल, पेनाल्टी शूटआउट में सुनील छेत्री की टीम बेंगलुरु एफसी को 4-3 से हराया। लाहौर कलंदर्स ने लगातार दूसरी बार जीता पीएसएल, रोमांचक मुकाबले में मुल्तान सुल्तान को 1 रन से हराया।
17,000 इंटरनेशनल रन बनाकर केन विलियमसन ने की रिकी पॉन्टिंग की बराबरी, विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा। एशिया कप की मेजबानी को लेकर पीसीबी चीफ नजम सेठी ने मांगा एसीसी सदस्यों का समर्थन, कहा बीसीसीआई का वर्ल्ड क्रिकेट पर दबदबा। भारतीय क्रिकेटर्स पर चढ़ा नाटू नाटू का खुमार, अब इरफान पठान सुरेश रैना ने जमकर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। वुमेन्स प्रीमियर लीग की पहली सेंचुरी बनाने से चूकी सोफी डिवाइन, आरसीबी ने 189 का टारगेट 15.3 ओवर में चेंज किया, गुजरात को हराया। यूपी ने रोका मुंबई का विजय रथ, 5 विकेट से हराया, एल्स्टन ने 6 जमा कर जिताया मेग्रा हेरिस की उपयोगी पारियां। विलियमसन निकोलस का दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 580 पर घोषित की पहली पारी, श्रीलंका 26 पर रही दो। माइकल ब्रेसवेल आरसीबी में शामिल, चोटिल विल जैक्स की जगह 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में टीम से जुड़े। क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम पर ठगी, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर मांग रहे पैसे, भज्जी ने सावधान रहने को कहा। जुरासिक पार्क स्टार सैम नील को हुआ ब्लड कैंसर, जुरासिक पार्क समेत कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं एक्टर सैम नील। पीएम मोदी ने की केसरिया सिंगर स्नेहदीप की तारीफ, केसरिया तेरा इश्क है पिया गाने को 5 अलग अलग भाषाओं में गाया। ट्विंकल खन्ना ने लगाई नकली मूंछ, शेफ संजीव कपूर ने की मूंछ की तारीफ, कहा आप आउटस्टैंडिंग लग रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने फिर उगली आग, बोला बचपन से है सलमान को मारने का मंसूबा, उनका अहंकार रावण जैसा। ऑस्कर 2023 में आरआरआर की टीम ने खरीदी थी सीट, करीब 20 लाख रुपए का एक टिकट, सिर्फ गीतकार और कंपोजर को मिली थी फ्री एंट्री। शाहरुख खान ने अलाना पांडे की शादी में किया डांस, पत्नी गौरी का हाथ थामे एपी ढिल्लो के गाने पर थिरके किंग खान। शालीन भनोट की एक्स वाइफ दलजीत कौर ने रचाई शादी, एनआरआई बॉयफ्रेंड निखिल पटेल के साथ लिए 7 फेरे, बेटे का हाथ थामे पहुंची मंडप। इंडिया वापस लौटी दीपिका पादुकोण, मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट, ऑल ब्लैक लुक में दिखी गॉर्जियस। ट्रिपल आर के स्टार को छत्तीसगढ़ आने का न्योता, रामचरण से मिले सीएम भूपेश के सलाहकार, गौरव ने राजकीय गमछा पहनाकर किया स्वागत। जूनियर एनटीआर को स्टेज पर फैन ने अचानक पकड़ लिया, एक्टर ने सिक्योरिटी को रोका, शख्स को लगाया गले। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।